नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी के सामने मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। यद्यपि अवकाश नियमावली पर मैंने एक बड़ी वीडियो बनाया था, उसके बाद भी अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है और लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैटरनिटी लीव क्या दो बच्चों के बाद नहीं ली जा सकती है या CCL क्या दो बच्चों के बाद नहीं ली जा सकती है, तरह तरह के प्रश्न हैं। तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ बातें और क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। सभी शासकीय कर्मचारी हों, अध्यापक हों, इसे किसी कागज पर नोट कर लें, छुट्टी एवं उसके नियम। तो आइए मित्रों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अर्जित अवकाश जो अर्नड लीव जिसे कहते हैं, यह अवकाश कर्मचारियों को और अध्यापकों को सभी को मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, अर्जित अवकाश यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के लिए देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है। यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है। यानी अर्जित अवकाश के रूप में अगर आपने अर्जित अवकाश को जो है इकट्ठा कर लिया है, तो आप इस तरह से भारत में 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। यानी हर वर्ष यह 31 दिन के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर आप अध्यापक हैं तो आपको हर वर्ष यह अवकाश सिर्फ 1 दिन के लिए मिलेगा, क्योंकि आपकी जो ग्रीष्मावकाश होती है उसका जो 30 दिन का अवकाश होता है वो आपके अर्जित अवकाश में से कट जाता है। तो 1 दिन बचता है, यानी हर वर्ष आपको 1 दिन का ही अर्जित अवकाश प्राप्त होता है। मूल नियम यहाँ पर 81B दिया हुआ है। फिर आइए बात करते हैं, दूसरा है चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव जिसे कहते हैं। यह अवकाश स्थायी कार्मिकों को पूरी सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है। यानी 12 माह यानी 365 दिन तक और 6 महीने तक जो है अर्ध वेतन पर देय है। इसका मूल अधिनियम यहाँ पर दिखाया गया है। फिर अगला है निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर अवकाश। स्थायी कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जो है जमा हो जाता है, ठीक है। और यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पूरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, यह अवकाश अध्यापकों को देय नहीं है। फिर आता है असाधारण अवकाश बिना वेतन का। यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकर अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि यह अध्यापकों के लिए यह अवकाश भी नहीं है। फिर आता है विशेष विकलांगता अवकाश। यह अवकाश ड्यूटी करते समय दुर्घटना होने पर कुल 24 माह का निम्न प्रकार देय है। वो कैसे? प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर तथा यह 6 माह ड्यूटी मानी जाएगी। फिर उसके बाद 119 दिन पूर्ण वेतन पर, लेकिन यह अवकाश माना जाएगा। फिर शेष 14 माह 1 दिन अर्ध वेतन पर दे है। यानी ये विकलांगता अवकाश है। यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश से घटाया नहीं जाएगा। इसके लिए मूल अधिनियम 3 यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। फिर आता है अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव जिसे कहते हैं। यह अवकाश पूरे सेवा काल का 24 माह का अर्ध वेतन पर दे है। एक बार में लगातार 12 माह तक छुट्टी दे है। यह अवकाश भी किसी अन्य अवकाश से घटाया नहीं जाता है। यानी इस अवकाश के दौरान आप जो है आधा वेतन प्राप्त करेंगे। यह उन्हीं कर्मचारी को मिलेगी जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो गई हो तथा यह अवकाश सेवा निवृत्त होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी। यानी यह अवकाश अध्यापक भी ले सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर राष्ट्रीय अवकाश यानी कम्यूटेड लीव। यह अध्ययन अवकाश की तरह ही है। इसमें भारत में 45 दिन तक तथा भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतन पर देय है। लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगनी घटाई जाएगी। यानी यह अवकाश अध्यापकों के लिए नहीं है। फिर आता है प्रसूति अवकाश महिलाओं के लिए। यह अवकाश केवल महिलाओं को प्रसूति हेतु 180 दिन यानी 6 माह तक 2 बच्चों तक देय है। ध्यान दीजिएगा, जो है यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि प्रसूति अवकाश जो मैटरनिटी लीव है वो सिर्फ 2 बच्चों तक ही दे है और 6 माह तक सिर्फ 2 बच्चों पर दे है। 2 से अधिक अगर आप बच्चे हैं, 2 से अधिक बच्चे पर आप लेना चाह रहे हैं, तो 2 से अधिक बच्चे पर यह अवकाश
प्राप्त नहीं होगा। किसी ने यह क्वेश्चन किया था कि सर मैंने पहले बच्चे पर जो है प्रसूति अवकाश लिया था, दूसरे पर नहीं लिया था, क्या मैं तीसरे बच्चे पर जो है प्रसूति अवकाश ले सकती हूँ या नहीं? तो मेरे हिसाब से आप तीसरे बच्चे पर प्रसूति अवकाश नहीं ले सकती हैं, क्योंकि यह अवकाश सिर्फ दो बच्चों तक ही सीमित है। जिनके पास दो हैं, दो से अधिक बच्चे हैं, तो फिर यह अवकाश जो है नहीं मिलेगा। फिर आता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों के पालन पोषण ही है, तो 730 दिन तक पूरे वेतन पर दो बच्चों तक अलग अलग से देय है। यानी यह 730 दिन का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक ड्यू रहेगी तथा एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार देय है, लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन का छुट्टी लेना होगा। तो ये रहा जो है CCL जो अध्यापकों को मिलता है, चाइल्ड केयर लीव जो है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि बच्चों के पालन पोषण हेतु आप 730 दिन तक पूरे वेतन पर दो बच्चों तक अलग अलग से दे है, और यह 730 दिन का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक ड्यू रहेगी तथा एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार दे है, लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन का लेना होगा। कहने का मतलब इस छुट्टी को जो है आप 730 दिन को चाहे आप एक बार में ले लीजिए, एक बच्चे पर ले लीजिए, चाहे दो बच्चे पर ले लीजिए, लेकिन दो से अधिक पर नहीं आपको लेना है, और बच्चा आपका 18 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर आता है MTP लीव गर्भ समापन अवकाश। ठीक है, जिसे अबॉर्शन लीव कहते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पूरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार दे है। ठीक है, इसकी जो है कोई सीमा नहीं है। गर्भ समापन का मतलब मिस कैरिज, बच्चा खराब होने से है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे है चिकित्सालय अवकाश। यह अवकाश उन कर्मचारियों को दे है जिनकी जान का जोखिम हो तथा सभी विभागों के सुरक्षा गार्डों एवं बंदी रक्षकों को दे है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को दे है। प्राथमिक चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक दे है, जिसमें प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतन पर। 3 वर्ष बाद पुनः 6 माह का उपभोक्ता अनुसार दे होगा। यह वेतन, यह जो है अवकाश भी अध्यापकों को प्राप्त नहीं है। फिर आता है एंटी रेबीज उपचार हेतु अवकाश। यदि किसी कर्मचारी को पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो उसे सरकारी चिकित्सक की संस्तुति पर पूर्ण वेतन पर अवकाश दे है। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नहीं जाएगा। दिन की कोई सीमा तय नहीं है। डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी। फिर आता है अगला आकस्मिक अवकाश, जो सबसे मेन है। यह अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 14 दिन देय है तथा 2-3 दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी स्वीकृत हो सकती है। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नहीं होगी। हर साल छुट्टी ना लेने पर बची हुई छुट्टी स्वतः ही लैप्स हो जाती है। ध्यान रहे, यह अवकाश लेने पर बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे रविवार या छुट्टी को जोड़ा नहीं जाए, तो रविवार या छुट्टी को जोड़ा नहीं जाए तो यही रविवार या छुट्टी जो है सफिक्स लीव के नाम से जो है आपके मानव संपदा में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यही है वह सफिक्स लीव। यानी छुट्टी के बीच में पड़ने वाला संडे या कोई छुट्टी है तो जितने दिनों की छुट्टी है आप वह सफिक्स लीव में डालेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बड़ा गुड बाय।